हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। ये देख रहे हैं, ये स्थल कमल है। अब इसमें फ्लावरिंग रुक सी गई है क्योंकि ये पांच ब्रांचें हैं केवल। देख रहे हैं आप, ये केवल पांच ब्रांचें हैं इसकी। तो अब इसमें सीड पॉट काफ़ी बन रहे हैं। ये देखिए, ये एक सीड पॉट ये तैयार हो गया है और ये सीड पॉट ये ब्राउन हो गया है। तो इस तरह के अगर सीड पॉट हो गए हैं आपके इसमें, तो आप इन्हें तोड़ लीजिएगा। अगर आपको सीड चाहिए तो इस तरह से आप तोड़ लीजिएगा इन सीड को, और इन्हें निकाल करके पहले तो सीड पॉट को ही ड्राई होने दीजिएगा। मैंने इसलिए तोड़ लिया क्योंकि कुछ तो ब्राउन हो गया है, देखे हैं। और दूसरा, इस पर अगर लगा रहा टूट के गिर गया तो पूरे फैल जाएंगे, सीड भी मिलेंगे नहीं खुल गया तो जो ब्राउन हो जाए इस तरह का, उसे आप निकाल लीजिएगा। और ड्राई हो जाए अच्छे से, उसके बाद इसके सीड पॉट को निकाल करके इसके अंदर रोएदार बारीक बारीक सीड निकलते हैं, आप उन्हें रख लीजिएगा। और ड्राई होने के बाद में फंजीसाइड में लगा दीजिए अच्छे तरह से, फंजीसाइड लगा के, और फिर उसमें किसी एयर टाइट बॉक्स में या पॉली बैग में रख के इन्हें रख दीजिएगा। तो इन्हें सेव कर लीजिएगा इस तरह से। कुछ और भी हो गए हैं एक दो ब्राउन, कुछ तो मैंने रख लिए तोड़ के, और बाकी इन सबको कट कर दीजिए। देखिए, एक ये हो गया है, ये कल मैं तोड़ूंगी, आज नहीं तोड़ूंगी, ये वाला अभी तोड़ ले रही हूँ। ये दो है ना, अभी खासी मेरा वीडियो बना रही हूँ। देखिए, ये तोड़ने लायक हो गया है और ये अभी नहीं है, ये कल परसों में टूटेगा। तो इसे मैं यहाँ से तोड़ लेती हूँ, यहाँ से इस तरह से ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरह से आप तोड़ तोड़ के इन्हें रख लीजिएगा, और जब ये ड्राई हो जाए अच्छे से तब इन्हें प्रिजर्व करके रख लीजिएगा। आप फंजीसाइड में लपेट के रखिएगा, है ना, इस तरह से मत रख दीजिएगा वरना ख़राब हो जाएंगे, फंगस लग जाएगी। सीड में भी फंगस लगती है, हमेशा याद रखिएगा। अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो सीड में फंगस लग जाएगी। तो आप इन्हें इसमें किसी एयर टाइट बॉक्स में अच्छे से ड्राई कर लीजिए, एयर टाइट बॉक्स में रखिए बंद करके, ठीक है। और फंजीसाइड के साथ में फंजीसाइड अच्छे से बॉटल में डालिए, सीड डालिए बॉटल में, फंजीसाइड डालिए और खूब अच्छे से ऐसे शेक कर लीजिए। फिर उसे रख लीजिए अपने एयर टाइट, ऐसी कूल एंड ड्राई जगह पर रख लीजिए जिससे कि अच्छे से ये सेव हो जाए, है ना। और नेक्स्ट ईयर फिर आप इन्हीं से सीड से ग्रो कर सकें, ठीक है। ये तो मैंने अपने प्लांट खरीद के लेके आई थी, नानामत्ता गई थी तो वहाँ से लेके आई थी, 100 रुपीज़ में मिला था ये, तो काफ़ी बड़ा हो गया है। कटिंग से भी तैयार किया था मगर वो बंदर मेरा उखाड़ के चला गया तो बेकार हो गया था वो प्लांट। मैंने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया था, फिर मैं ये प्लांट तैयार लेके आई। तो इस तरह के सूखे पत्ते हैं तो आप उन्हें फेंकिए बस, इस तरह से क्रश कीजिए और इसी में पॉट में डाल दीजिए जिससे कि सर्दियों में कोहरे की वजह से दिक्कत ना हो, है ना। तो ये मल्चिंग देखिए, मैं इस तरह से डालती रहती हूँ, इस तरह से मैं सभी डाल देती हूँ। तो खाद का भी काम करते हैं, मल्चिंग का भी काम करते हैं। तो इस तरह की बीट वगैरह हो जाती है तो वो भी आप निकाल दीजिएगा। और ये सदाबहार वगैरह, ये वैसे तो समर प्लांट है मगर अभी जब तक धूप है तब तक चल रहे हैं, बारिश या कोहरा आ गया तो सब बेकार हो जाएंगे। तो बस ये स्थल कमल की यही देखभाल है कि अब इसमें आप थोड़ा सा अगर कटिंग करना चाहें तो इन्हें कटिंग कर दें, और कटिंग करने के बाद में इसमें अच्छे से खाद दे दें तो हो सकता है ये फिर से फ्लावरिंग पे आ जाए, क्योंकि ये सभी फूल खिल चुके हैं और काफ़ी फूल खिले थे। अब जो डोरबंसी टाइप का हो गया है, वैसे तो फूल आते ही रहते हैं, मैंने नर्सरी में देखा था खूब फूल आ रहे थे, पर अब देखते हैं इसमें कितना फूल। तो अभी तो कोई उम्मीद नहीं लग रही, कोई नई ब्रांच नहीं है, कुछ नहीं है, कोई शूट्स वगैरह नहीं निकल रहे हैं जैसे कि न्यू ब्रांच निकले तो उसमें फूल निकले। तो अगर इन्हें आपको सीड चाहिए तो ठीक है, रहने दीजिए, सीड नहीं चाहिए तो यहाँ से इन्हें तोड़ दीजिए, कट कर दीजिए, शार्प कटर से कट कर दीजिए, ठीक है। और चाहे तो कटिंग लगा लीजिए इनकी, और कटिंग नहीं लगाना है तो आप इन्हें कट करके और अलग कर दीजिए, कंपोस्ट वगैरह में डाल दीजिए और नए ब्रांच की तैयारी कीजिए। खाद वगैरह ज़रूर डालिए कटिंग करने के बाद में, प्रूनिंग करने के बाद में खाद वगैरह ज़रूर डालनी चाहिए प्लांट में तो अच्छा रहता है। कुछ ऐसे होते हैं जो पॉलिनेशन नहीं होता तो वो फूल नहीं, सीड पॉट नहीं बन पाते हैं, काफ़ी ऐसे हुए थे शुरुआत में तो मुझे फेंकने पड़े थे, मगर अब देखती हूँ उनमें कब तक सीड बनते हैं। ये सबको मैं सेव कर लूँगी क्योंकि मुझे तो सीड चाहिए होता है सच पूछूँ तो फ्रेंड्स ये देखिए, चलते चलते मैं आपको बालसम दिखा रही हूँ, कितने सुंदर फूल आ रहे हैं, बहुत प्यारे फूल, बिल्कुल एकदम रेड, बिल्कुल रोज़ की तरह आ रहे हैं। देखिए ये गुलाब की तरह ही है, तो ये रोज़ से कम नहीं लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। जो नया प्लांट होता है ना उसमें फूल बहुत अच्छे आते हैं, जो पुराना प्लांट हो जाता है वो ख़राब हो रहा है, मगर नए नए प्लांट जो निकलते जा रहे हैं उनमें फूल बहुत अच्छे आ रहे हैं। हमेशा याद करिए, अगर रखिए जब भी नया प्लांट लगाएंगे तो उसमें फूल बहुत अच्छे आएंगे। ऐसे ही 4 o'clock है, ये न्यू प्लांट है तो देखिए इसमें खूब अच्छे से आज खिली होंगी, कुछ ये खिलने वाली हैं कलियाँ ये,
हेल्दी प्लांट है, मगर पुराने प्लांट हो जाते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। न्यू प्लांट में फूल हमेशा अच्छे आएंगे, तो पुराने प्लांट में फूल ख़राब होने लगते हैं। ये भी देखिए कितने अच्छे ढेर सारे फूल आ रहे हैं, है ना। तो ये रहता है इनमें, पुराने में ख़राब होते जाते हैं, नए नए में फूल अच्छे आते रहते हैं। इसमें भी सीड पॉट नहीं बन रहे हैं इस बार बालसम में, देखते हैं क्या होता है। सीड मिलते हैं दो चार मुझे रखने के लिए, मैं तो इसी लालच में लेके आई थी कि सीड कुछ मिल जाएंगे, तो देखो क्या होता है। इसमें तो ये दूसरा वाला, इसमें तो पर्पल वाला, इसमें तो एक आध सीड पॉट ही बना है, ठीक से बनी भी नहीं पा रहे हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स, नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।